हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर चैनल सॉल्यूशन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे थ्रोम्बोलाइटिक या इसी को हम बोलते हैं फाइब्रिनोलाइटिक ड्रग के बारे में। और आज का ये जो पार्ट होगा ये सेकेंड और लास्ट पार्ट होगा इस कैटेगरी के ड्रग के बारे में। इसमें हमने दो कैटेगरी के ड्रग को यूज किया है, पहला है आपका यूरोकाइनेज और दूसरा है आपका एल्टीप्लेस। इसके पहले के पार्ट में हमने स्ट्रेप्टोकाइनेज के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, उनके मैकेनिज्म ऑक्शन के बारे में बात किया है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये जो वीडियो है स्पेसिफिक पॉइंट के अकॉर्डिंगली। सबसे पहले हम बात करते हैं शॉर्ट में व्हाट इज थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग या व्हाट इज फाइब्रिनोलाइसिस ड्रग। सिंपल सा मतलब होता है थ्रोम्बोलाइटिक या फाइब्रिनोलाइटिक कहने का मतलब है ऐसे एजेंट जो कि थ्रोम्बस को या फाइब्रिन को लाइसिस करके डिसॉल्व करने का काम कर रहे होंगे, ऐसे ही ड्रग को हम सिंपली कहते हैं थ्रोम्बोलाइटिक या प्लाज्मिनोलाइटिक ड्रग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आपके ब्लड वेसल्स के अंदर बने हुए क्लॉट को, थ्रोम्बस को, जो कि थ्रोम्बस आगे जाकर के एम्बोलिज्म का फॉर्म ले सकता है, इनको डिसॉल्व करते हैं और इस तरह से लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन से आपको एक रिलीफ प्रोवाइड कराते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इनका वो कुछ इस तरीके से है। अगर हम बात करते हैं यूरोकाइनेस की तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और ये एमसीक्यूज में जैसा हमने डिस्कस किया था ये आपके फार्मासिस्ट के एग्जाम में 2 से 3 बार पूछे जा चुके हैं और इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने हमारे चैनल पे भी एमसीक्यूज के फॉर्म में अपलोड किया हुआ है। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहला है ये प्रिपेयर्ड फॉर्म जो आपके यूरोकाइनेज हैं ये कहां से प्रिपेयर किए जाते हैं, दो चीजें आपको जाननी होंगी इसके बारे में। पहला है ये जो आपकी यूरोकाइनेज है ये न्यूनेटल किडनी के सेल से डिराइव किए जाते हैं, बाद में उनको जाकर के हम आपकी कल्चर मीडियम में ग्रोथ कराते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट इस पॉइंट का पहला ही पॉइंट है कि ये कहां से डिराइव किए जाते हैं, ये आपके न्यूनेटल किडनी सेल से डिराइव किए जाते हैं, उसके बाद में इनको एक सुटेबल कल्चर मीडियम में ग्रो कराया जाता है। दूसरा जो पॉइंट है ये है कि ये फर्स्ट कहां से आइसोलेट किया गया था, ये एक उन क्वेश्चन में से है जो कि आपके जी पैट में पूछे जा चुके हैं और ये इनका जो आंसर है वह है ह्यूमन यूरिन। आप इस लाइन को देख के ही समझ में आ गया होगा कि ये जो हैं आपके आइसोलेट किए जाते हैं ह्यूमन यूरिन से, दैट इज वाई इनका जो नाम है वो यूरोकाइनेस इसी से पड़ा है क्योंकि ये ह्यूमन यूरिन से आइसोलेट किए जाते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा इट्स एक्शन क्या करता है, ये इनका जो एक्शन है वो कन्वर्जन का है, ये अगर आप समझना चाहते हैं तो पिछले वीडियो में हमने इसका फ्लो चार्ट भी अपलोड किया हुआ है। ये एक्टिवेट करते हैं प्लाज्मिनोजन को और प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट करने के बाद ये कन्वर्ट करेंगे आपके प्लाज्मिन में। यही वो प्लाज्मिन है जो कि आपके उन क्लॉट को लाइसिस करने का या डिग्रेड करने का काम करता है जिसकी वजह से थ्रोम्बस का फॉर्मेशन होता है। इसको समझाने के लिए हमने सिंपल सा एग्जांपल दिया था, एक कैरी बैग आते हैं जो नेट के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, इनके अंदर बेर, बेरी या कोई भी हाउस होल्ड सब्जियां रखी जाती हैं, तो वह एक जाली जैसा स्ट्रक्चर है जो कि अंदर के मटेरियल को होल्ड करके रखता है। अगर हम उन जाली को स्टेप बाय स्टेप कट करते चलेंगे तो उन जालियों का ब्रेक हो जाएगा और उसके अंदर जो सब्सटेंस रखे हुए हैं धीरे धीरे वो फॉल डाउन होना स्टार्ट हो जाएंगे। सो फाइब्रिनोलाइटिक्स ऐसे ही एजेंट हैं जो उन फाइब्रिन को, फो फाइब्रिन जो कि आपके ब्लड के कॉन्स्टिट्यूएंट को एक जगह होल्ड करके रखते हैं और एक प्लग का फॉर्मेशन करते हैं, तो इन्हीं फाइब्रिन को अगर हम लाइसिस कर दें, उनको अगर हम कट कर दें, ब्रेक कर दें, तो जो ब्लड क्लॉट हुआ है वो वापस से धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाएगा और वो जो क्लॉट था वो ब्लड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये उनका सिंपल सा काम करने का तरीका है। अगर हम बात करते हैं इनके एक्शन की तो एक्शन ऑफ यूरोकाइनेज इज नॉट अफेक्टेड बाय, यहां पे याद रखिएगा ये जो यूरोकाइनेज है इनका एक्शन है वो अफेक्ट नहीं होता किसके द्वारा, नेचुरली अकरिंग इनहिबिटर्स के द्वारा। हमारी बॉडी में जो इन फाइब्रिनोलाइटिक्स के अगेंस्ट में जो सब्सटेंस काम करते हैं इन सब्सटेंस का आपके यूरोकाइनेज के एक्शन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी कि अगर हमें देंगे तो इसकी एफिकेसी भी ज्यादा मॉड्यूलेशन नहीं होगा। अगर हम बात करते हैं अगले कैटेगरी के, यहाँ पे हमने दूसरी कैटेगरी को यूज किया है, ये है आपके एल्टीप्लेस। ये भी एक इंपॉर्टेंट थ्रोम्बोलाइटिक या फाइब्रिनोलाइटिक ड्रग के एग्जाम्पल है। ये है पहला इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट में ह्यूमन प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। ये क्या है, ये ह्यूमन प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर हैं जो कि ह्यूमन प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट करते हैं। ये कहां से ऑप्टेंड किए जाते हैं, दे आर ऑप्टेंड बाय आरडीएनए टेक्नोलॉजी फ्रॉम ह्यूमन एंडोथेलियल सेल। दो चीजें यहां पे याद रखने वाली बात है खास करके एल्टीप्लेस के बारे में, क्योंकि ये सबसे आइडियल ड्रग है एज अ थ्रोम्बोलाइटिक और फाइब्रिनोलाइटिक ड्रग का। इस पॉइंट से दो चीजें हमको जो ग्रास्प करनी है, अंडरलाइन करनी है, वो ये है कि पहला ये आरडीएनए टेक्नोलॉजी से बनाया जाता है, दूसरा ह्यूमन एंडोथेलियल सेल से डिराइव किए जाते हैं। तो दो चीजें यहां पे, व्हाट इज आरडीएनए टेक्नोलॉजी,
आरडीएन टेक्नोलॉजी कहने का मतलब होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। हम किसी स्पेसिफिक बैक्टीरिया के सेल को यूज करते हैं और उसमें हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को थ्रू द हेल्प ऑफ रिसेक्शन एंजाइम कट करने के बाद थ्रू द हेल्प ऑफ लाइगेज एंजाइम उसमें ज्वाइन करते हैं और उनका आगे ना करके प्रोडक्शन करते हैं। तो ये जो हमारा एल्टीप्लेज है ये आरडीएन टेक्नोलॉजी से बनाया गया है विद यूजिंग ह्यूमन एंडोथेलियल सेल। दूसरा यहां पे एक पॉइंट और आगे हम देखने वाले हैं, इस पॉइंट को याद रखिएगा, ह्यूमन एंडोथेलियल सेल के कारण से आगे जो हम देखेंगे वहां पे इस चीज का रिपीट होगा। अगर आपको याद होगा हमने पिछले वीडियो में बात किया था स्ट्रेप्टोकाइनेस के बारे में जो कि स्ट्रेप्टोबैसिलस के द्वारा बनाए जाते हैं, वहां पे चूंकि वो बैक्टीरियल ओरिजिन था, बैक्टीरिया से हमने उसको डिराइव किया था इसलिए उसके अंदर एंटीजेनिक प्रॉपर्टी थी। तो ये एंटीजेनिक प्रॉपर्टी क्या थी ये अब हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं। दूसरा जो पॉइंट है इट इज आइडियल थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। द आइडियल कहने का मतलब है कि मोस्ट ऑफ द केस इसका जो एडवांटेज है वो डिसएडवांटेज या लिमिटेशन के साइड से ज्यादा एक्सेप्टेबल होता है। तो दिस इज अ एल्टीप्लेज इज अ आइडियल थ्रोम्बोलाइटिक और फाइब्रिनोलाइटिक ड्रग यूज इन ह्यूमन बींग यूज फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन बींग टू डिजॉल्व द क्लॉट प्रेजेंट इन द ब्लड वेसल्स। इट इज नॉट एंटीजेनिक, जिसकी हम बात कर रहे थे वो यही पॉइंट है, इट इज नॉट एंटीजेनिक। क्यों एंटीजेनिक क्या है और इसके पहले के जो केस था इन दोनों का क्या कंपेरिजन है, सबसे पहले तो समझते हैं एंटीजेनिक का मतलब क्या होता है। एंटीजेनिक मतलब वो एबिलिटी जो कि किसी सब्सटेंस को एंटीजन जैसा बिहेव कराने के इनिशिएट करे। नाउ व्हाट इज एंटीजन, एंटीजन आर दोस सब्सटेंस इट कुड बी एनीथिंग व्हिच एक्टिवेट द एक्शन ऑफ एंटीबॉडी इट इज सिंपली नोन एज एंटीजन। इसके पहला जो हमारा थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग था वो था स्ट्रेप्टोकाइनेस, जैसा मैंने बताया कि वो बैक्टीरियल ओरिजिन से लिया गया था। तो जब हम स्ट्रेप्टोकाइनेस को एज एंटी एज अ फाइब्रिनोलाइटिक ड्रग यूज करते हैं तो इसके अंदर एंटीजेनिक कॉज करने की प्रॉपर्टी होती है, कुछ हद तक ये आपकी बॉडी में एंटीबॉडी के प्रोडक्शन को स्टार्ट करता है और एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन होने की वजह से कुछ ना कुछ अनवांटेड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। चूंकि आप ही आपने देखा जो अल्टीप्लेज है वो ह्यूमन एंडोथेलियल सेल से डिराइव किया गया है, इट इज अ ह्यूमन पार्ट सो इट इज नॉट एंटीजेनिक। तो इस तरह से इसकी जो एलर्जिक रिस्पॉन्स होंगे वो नहीं है, दैट इज व्हाई इट इज सेड इट इज अ आइडियल थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग, इसी कारण से हमने इसको यहां पे डिनोट किया हुआ है। अगला जो पॉइंट है वह है अल्टीप्लेज एक्टिवेट प्लाज्मिनोजन, इनका जो एक्शन है इनका जो काम करने का तरीका है वो यहां पे बताया गया है। ये एक्टिवेट करते हैं आपके प्लाज्मिनोजन को, ये प्लाज्मिनोजन आगे जाकर के बाइंड होते हैं फाइब्रिन से, सॉरी, और जब फाइब्रिन से बाइंड होते हैं तो आगे जाकर के ये लोकल फाइब्रिनोलाइसिस का काम करते हैं, यानी कि किसी पर्टिकुलर पार्ट में अगर क्लॉट हो गए हैं तो ये उसको वहां पे लाइज कर देंगे, वहां पे डिग्रेड करके डिसॉल्व कर देंगे। तो ये उनके काम करने का एक तरीका हुआ बाय अफेक्टिंग प्लाज्मिनोजन एंड देन दे बाइंड टू द फाइब्रिन। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इनके डोज की तो ये आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, इनका जो डोज है वो हमको देना है आईवी इन्फ्यूजन के थ्रू, इंट्रावीनस इन्फ्यूजन के थ्रू इंसर्ट करना है। इसकी दो कंडीशन है, पहला कहता है 60 mg ओवर फर्स्ट आवर, पहले घंटे में आपको 60 mg इन्फ्यूज करना है आईवी के फॉर्म में। उसके बाद जो अगले फेज आने वाले हैं उनको 40 mg एट अ रेट और 20 mg पर आवर के हिसाब से इंसर्ट करना है, यानी कि 40 mg हम दोबारा देंगे लेकिन उसका जो डोज होगा वो होगा 20 mg पर आवर के हिसाब से। तो ये आपके एमसीक्यूज के क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके बी फॉर्म से फिफ्थ सेमेस्टर में भी। अगला जो है वो है अदर ड्रग, और अदर ड्रग के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल हमने यहां पे सिर्फ कोट किए हुए हैं, उनके बारे में डिस्कस नहीं करने वाले हैं ज्यादा डिटेल से। तो ये है आपके रेटीप्लेस, एक और आपके थ्रोम्बोलाइटिक या फाइब्रिनोलाइटिक ड्रग है। दूसरा है टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, जो आपने पिछले वीडियो में देखा था उनके इंपॉर्टेंट एक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट रिएक्शन के फॉर्म में। और अगला है आपका टेनक्लेप्लेस, ये भी एक इंपॉर्टेंट ड्रग है। तो फ्रेंड आज का ये जो वीडियो था बहुत शॉर्ट में जस्ट बेसिक पॉइंट को हमने इंट्रोड्यूस किया है क्योंकि जो मेजर पोर्शन थे वो इसके पहले के वीडियो में ऑलरेडी अपलोडेड हो गए हैं और आपके ये बहुत छोटे से पॉइंट के हिसाब से ये नोट्स थे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बात करते हैं रेफरेंस की, तो आज का जो रेफरेंस है इसे हमने दो बुक से मिला के लिया हुआ है, एक कॉन्सेप्चुअल फार्माकोलॉजी बाय पी जगदीश प्रसाद की बुक से, दूसरा इसे हमने लिया हुआ है आपके फार्माकोलॉजी फॉर फार्मेसी स्टूडेंट बाय पद्मजा उदय कुमार की बुक से। तो इन दोनों बुक में कुछ पॉइंट हमें इंपॉर्टेंट लगे थे आपके जी पैट या अदर कॉम्पिटिशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमने आज इन्हीं पॉइंट्स को इंक्लूड किया हुआ है। सो फ्रेंड मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अगले टॉपिक के साथ, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन।